सिरेमिक कार्ड। दोस्तों, मंत्रा डिवाइस की सेटिंग कैसे करेंगे और इसको पोर्टल को किस तरीके से लॉगिन करना है, सारी प्रोसेस इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम दोस्तों अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आप दोस्तों डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से हम अपना CSC ID को दोस्तों डालकर, अपनी CSC ID दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूँ ID पासवर्ड डालकर, आप दोस्तों देखते रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड भी फिलअप कर देता हूँ। हमने यहाँ पर ID पासवर्ड डालकर इसको साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो दोस्तों हमारे डायरेक्ट ही CSC से कनेक्ट होता हो जाता है। तो अब दोस्तों आप लोग जैसे कि किसी का श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा आधार लिंक मोबाइल नंबर इज परफेक्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वही डालना है जो दोस्तों कैंडिडेट के आधार कार्ड पर लगा है और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्सल कोड डाल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कैप्सल कोड भी फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड पर नंबर रजिस्टर्ड है आप दोस्तों उसको यहाँ से OTP यहाँ पर डाल देंगे। तो मेरे मोबाइल पर दोस्तों यहाँ पर OTP आ चुका है और मैं इस OTP को यहाँ पर फिलअप भी कर देता हूँ। OTP डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार eKYC का ऑप्शन आ जाएगा और आप दोस्तों यहाँ पर अपना आधार कार्ड फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट का मैंने आधार कार्ड डाल दिया है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है फिंगरप्रिंट, आयरिस, OTP बेस। तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर CSC में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी दोस्तों हम डिवाइस की भी बात कर रहेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कैप्सल वाले पर क्लिक करेंगे। तो कैप्सल वाले पर जैसे मैं दोस्तों क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जो डिवाइस है दोस्तों यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसको यहाँ से अपनी डिवाइस को दोस्तों सेट कर लेंगे। मैं स्टार्ट कैप्सल पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हम फिंगर देते हैं तो सक्सेस यहाँ पर फिंगर हो जाते हैं और एक्सिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगली प्रोसेस में आपको क्या करना है। जैसे कि दोस्तों मैं फिर यहाँ से अपना वेबसाइट को खोल लेता हूँ और यहाँ पर अगर कैप्सल फिंगर पर क्लिक कर रहे हैं तो दोस्तों अभी भी ये कैप्सल नहीं चल रहा है डिवाइस का। तो फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्यूटर वाले ऑप्शन पर जाना है और मैनेजमेंट पर चले जाना है। मैनेजमेंट ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्विस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर सर्विस पर चले जाएंगे दोस्तों और इस पर एक बार राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर मंत्रा सिलेक्ट कर लेना है। तो मंत्रा के लिए दोस्तों आप जैसे यहाँ पर एम प्रेस करेंगे तो एम के दोस्तों आपको यहाँ पर मंत्रा AVDM का दोस्तों सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपको यहां से इसको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपने पोर्टल पर चले जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद दोस्तों आपका डिवाइस जो है वर्किंग में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, आप यहां भी देख सकते हैं सक्सेसफुल डिवाइस। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर दोस्तों कैप्सल पर दोस्तों मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी दोस्तों ये यहाँ से नहीं ले रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मुझे दोबारा से इसको यहाँ से अगली प्रोसेस में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोगों को अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप CSC से कनेक्ट करके अपना दोस्तों प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपकी डिवाइस दोस्तों वर्क करने लगेगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आप लोगों की भी डिवाइस अगर कनेक्ट नहीं होती है तो दोस्तों मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे को कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।